भाई जान जी, कल मैं आपसे 1500 रुपए के लेकर गया था, पर ये हैंड फ्री खराब है, इसलिए आप इसको रख ले और मेरे पैसे मुझे वापस कर दें। सर आपको कोई गलत फहमी होगी, ये हमारी शॉप से नहीं गया क्योंकि इस पर हमारी शॉप का लेबल नहीं लगा हुआ। मेरी इतनी भी याददाश्त कमजोर नहीं है, मैं इसी शॉप से ये हैंड फ्री लेकर गया था, मुझे इस भाई ने दिए थे। सर ये हमारी शॉप से नहीं गया, अली अमार क्या ये हैंड फ्री आपने इस भाई को सेल किए थे? नहीं भाई, ये तो हमारी दुकान से नहीं गया, बट आपको तो पता है हम जो भी चीज सेल करते हैं हम उसमें अपनी दुकान का लेबल लगा के सेल करते हैं। मैं इतना पागल नहीं हूँ, मैंने ये आपकी शॉप से लिए, आप मेरे पैसे मुझे वापस करो और अपने हैंड फ्री रख लो। सर आप इस तरह शोर शराबा ना करें, हमारी मार्केट में काफी इज्जत है और कस्टमर भी देख रहे हैं, ये आप अपने पैसे पकड़े और जाएं यहाँ से। ये अभी ना बात, अगर आप ये पैसे मुझे रिटर्न नहीं करते तो मैं पता नहीं आपका क्या आशीर्वाद कर देता, मेरा भाई ऐसा जो है। अच्छा वाली हमारा जो हमने इसको 1500 देकर रफा दफा कर दिया, वरना ये हमारे सारे कस्टमर भी खराब कर देते। पर भाई ये हैंड फ्री हमारी शॉप से गए भी नहीं, आपने खामखा उसको 1500 रुपए दे दिया। अली अमार कोई बात नहीं, वो खुदा तो हमें देख रहा है ना, वो इंसाफ करेगा। और ये क्या लगता है वो सर अपना मोबाइल इधर ही भूल गए हैं? अच्छा हुआ ऐसे लोग साथ ऐसे ही होना चाहिए, जबकि ये हैंड फ्री हमारी शॉप से गए भी नहीं, वैसे भी उसने 1500 का नुकसान किया है, उसका 2 लाख मोबाइल नहीं रहे और ये मोबाइल सेल करके हम अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। अली अमार फिर उसमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? आप ऐसा करें जल्दी जाए और उसको बुला कर ले आओ। पर भाई वो इधर ही मार्केट में होगा, जल्दी से उसको बुला कर ले आओ। बहुत तो अच्छा बेवकूफ बनाया, जो हैंड फ्री मेरे नहीं थे वही उनको चूना लगा कर दे दिए। आप फिर क्या मसला है भाई? आप अपना मोबाइल तो चेक करें। क्या मोबाइल, कहाँ है मेरा मोबाइल? भाई आप अपना मोबाइल शॉप पर भूल आए हैं, चले मेरे साथ। अच्छा हुआ भाई मेरा फोन इधर ही था, इसमें बहुत ही पर्सनल डाटा था मेरा। कोई बात नहीं सर, ये तो हमारा फर्ज बनता था। बहुत शुक्रिया मेरे भाई जो आपने मेरा फोन मुझे वापस कर दिया, और वो हैंड फ्री मैंने आपकी शॉप से नहीं लिए थे, सामने वाली शॉप से लिए थे, वो अपनी शॉप उठाकर चले गए थे। भाई बुरे का अंजाम बुरा ही होता है, आप हमें 1500 का चूना लगाने लगे थे, आपका 2 लाख नुकसान होने वाला था। मेरे भाई मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। देखिए सर बुरे का अंजाम बुरा ही होता है, अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। मेरे भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ और उम्मीद करता हूँ ऐसा काम मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा। लालच बहुत बुरी बला है, इसमें इंसान का अपना ही नुकसान होता है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर करें, शुक्रिया।